नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जीनिया फ्लावर की, जो गर्मियों का बहुत ही सुंदर फ्लावर है। और आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी कलर आते हैं, काफ़ी अलग अलग कलर हैं इसमें। जैसे देखिए, मजेंटा, येलो, ऑरेंज, और ये रेड में भी बड़ा सुंदर है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर सुंदर कलर हैं इसमें, काफी ब्राइट कलर है, काफी लंबे समय तक चलता है गर्मियों में। तो दोस्तों, इसको अपने घर में अवश्य लगाएं। आज हम इसी की जानकारी आपको देने वाले हैं कि इसकी सॉइल मिक्स कैसी होनी चाहिए, इसका हमें कैसे ध्यान रखना है, इसकी वाटरिंग कैसे होगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा ये जीनिया का प्लांट एक हमने अपने ये बड़े गमले में लगा रखा था। एक्चुअली मैंने इसमें भिंडी के पेड़ लगा रखे हैं, देखिए दोनों। अब ये प्लांट हमारा लगभग काफ़ी बड़ा हो गया है, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हो गया है। इससे दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे जो भिंडी के पेड़ हैं वो बहुत अच्छी तरह से, मेरे को दिख रहा है कि ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब इसको हमें भिंडी के पेड़ लेने हैं, बहुत अच्छी तरह से लेने हैं, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। हम इसको आज रिपोर्ट करेंगे, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमारी मिट्टी कैसे होनी चाहिए। देखिए, आप पॉट साइज़ तो मैटर नहीं करता है, पॉट तो आप जितना बड़ा लगाएंगे उतना अच्छा है इसके लिए। हालांकि ये 6-7-8 इंची के पॉट में भी बहुत बढ़िया हो जाता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये हमारा करीब 18 इंची का पॉट है, देखिए नीचे से। और इसको हमने किचन वेस्ट से पूरा तैयार किए हुए करके बनाया हुआ है। और आप देखिए इसके पत्ते देखिए और इसका फ्लावर देखिए और साइज़ देखिए कितना सुंदर आ रहा है। और ये फूल खिले हुए अभी 6-7 दिन हो गए हैं, अभी 10-12 दिन और चलेगा। तो जीनिया का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यही होता है, ये काफ़ी लंबा हमारा चलता है। तो दोस्तों अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसको निकालने के लिए मुझे पूरा नीचे से कट के साथ पूरा निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ही हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इसको बड़ी सावधानी पूर्वक मैं निकालता हूँ और दिखाएंगे हम इसको किस प्रकार से दूसरे गमले में हम इसको रिपोर्ट करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए, बड़ी मेहनत करने के बाद इसको ये निकल गया है, क्योंकि ये काफ़ी गहरा पॉट था, तो इसकी जड़ें, और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है प्लांट, तो इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक पहुंच गई हैं। तो दोस्तों इसलिए देखिए, निकालने में काफ़ी मेहनत इसमें लगी है, बड़ी सावधानी से इसको करना है दोस्तों, ताकि इसकी जड़ें जो है मिट्टी को न छोड़। तो दोस्तों देखिए, हमने ये पॉट ले लिया है इसके लिए, लगाने के लिए। और इसमें देखिए, छेदों को बंद करने के लिए हमने ये टुकड़े रखे हुए हैं। और उसके बाद देखिए, ये निकाल चुके हैं। इसमें जब हमने पाइप में इसको लगाया था, लेकिन इतना इसने जड़ पकड़ ली है कि निकल ही नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे ही लगाएंगे ताकि इसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हो जाएं। तो जो मिट्टी का रेशियो है हमारा, वो हमने इसमें 50% अपनी गार्डन सॉइल ली है, और करीब करीब 20 से 25% हमारा इसमें होगा जो हमारा किचन कम्पोज होता है, या घर की खाद जो भी होती है, या गोबर या वर्मी कम्पोज, जो भी आप लेना चाहते हैं इस प्रकार का। और हाँ दोस्तों, इसमें रेत जरूर मिलाइए, जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी इसमें ठहरता है तो जीनिया को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जीनिया ज़्यादा अगर पानी होगा तो इसके पत्ते गलने लगेंगे। आप इसकी स्टेम देख रहे हैं, ये बिल्कुल वाटर वारी होती है, और इसको जब आप पानी डालते हैं, इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि पानी आपको नीचे से डालना है, ऊपर से इसको छिड़काव नहीं करना है। जैसे हम दूसरे पेड़ों को नहलाते हैं, अगर आप इसको भी नहलाएंगे तो बहुत जल्दी आपका जीनिया का प्लांट खराब हो जाएगा। इसमें फंगस बहुत जल्दी आता है, और बरसात के दिनों में आप देखेंगे ये बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। रीज़न ही यही होता है कि इसके ऊपर पानी पड़ता है तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो पानी देते समय इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसमें पानी ज़्यादा हमारा ऊपर से न डालें हम। और कभी कभी इसमें आप हो सके तो साफ़ पाउडर का थोड़ा सा मिलाकर उसमें पानी का स्प्रे कर दें, जिससे कि आपकी टहनियाँ मजबूत रहें और इसमें फंगस ना लगे। हमने ये प्लांट अपना तैयार कर लिया। अब देखिए आप इसमें कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, ये देखिए। ये फूल हम मैंने जैसे पहले बताया, अभी 15 से 20 दिन हमारा ये चलेगा। जो सबसे पहले फ्लावर आया था वो इस कुछ इस प्रकार से था, डबल वाला हमारा ये है जीनिया, बड़ा वाला, इतना ही बड़ा साइज इसका आता है। और ये प्लांट हमारा बहुत खूबसूरत हो रहा है, लेकिन मेरे ये भिंडी के पेड़ों को ख़राब कर रहा था, इसलिए मेरे को उसको शिफ्ट करना पड़ा। दोस्तों आज मौसम भी बहुत अच्छा है, हल्की सी बारिश हो रखी है, तो इसके लिए बिल्कुल बढ़िया टेम्परेचर है जो शिफ्टिंग में है। गर्मी में हम ज़्यादा इसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे। तो आपको ये कैसा लगा हमारा शिफ्टिंग प्रोसेस, और ज़रूर लगाइए अपने जीनिया को अपने गार्डन में, बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं, बहुत रंग बिरंगे फ्लावर आते हैं इसमें। और इस सीज़न में अगर आपने ट्राई नहीं किया तो नेक्स्ट सीज़न में इसको ज़रूर ट्राई करना, और जो छोटी छोटी टिप्स हमने आपको बताई है उनका ध्यान रखना। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।